मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली बस इसी बात को सोचते रहते हैं कि वह अपने पैसे कैसे बचाएं। जहां पर 10 रुपये लगते हैं वहां पर वह 5 रुपये लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जोड़ सकें। इसी चीज़ को देखते हुए एक ऐसी खास किचन की रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने एक दिन के नहीं बल्कि हर रोज़ के पैसे बचा सकते हैं और ये दोस्तों आपके हर दिन काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रीसलीन सोप ले लेनी होगी यानी साबुन ले लेनी होगी और इस तरीके से इसको आपको कट कर लेना होगा। आगे की जानकारी मैं आपको दूं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है नीतू जी को MP से, नवीद जी को पाकिस्तान से, आदित्य जी को नेपाल से और दमयंती जी को दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से साबुन के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने होंगे और फिर एक अलग बाउल में आपको डाल लेना होगा 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आ जाए इस साबुन को जो है वो आप इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर लेने दीजिए। बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से जो ये साबुन है वो मेल्ट हो जाएगी और यह आपके एक नहीं हर दिन के काम आएगी। आप बोलेंगे कि सर आपने हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई। जहाँ पर आप साबुन का इस्तेमाल महीने करते हैं, 15 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, वहाँ पर आपकी जो ये साबुन है 2 से 3 महीने चलेगी क्योंकि एक ऐसी खास किचन टिप इससे रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि साबुन का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा जो पानी है वो अच्छे से उबल जाए यानी इसमें 10 से 12 उबाल अच्छे से आ जाए आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना होगा। बंद करने के बाद आपको इसे हल्का थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एक अलग बाउल में निकाल लेना होगा सारे के सारे पानी को। फिर उसके अंदर आपको ऐड कर देना होगा 1/2 चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर किसी को पता है गंदगी को काटने के काम आता है, बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। इसमें 1/2 चम्मच ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा इस बेकिंग सोडा को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक जो आज ये किचन टिप है जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना होगा लगभग 2 चम्मच के आसपास विनेगर। विनेगर ऐड करने के बाद वापस से आपको इसे अच्छे से मिक्स करना होगा क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने में। तो चम्मच की मदद से आप कुछ इस तरीके से कंटिन्यू घुमाते रहिए ताकि हमारा जो बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद डिटर्जेंट जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उस डिटर्जेंट का आपको इस्तेमाल करना है और इस डिटर्जेंट की 1 से 1.5 चम्मच के आसपास आपको इस पानी के अंदर ऐड कर देनी होगी। 1 से 1.5 चम्मच ऐड करने के बाद अब वापस से वही प्रतिक्रिया आपको दोहरानी होगी। वापस से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो सारा का सारा चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई भी जो आपके घर में बर्तन है कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें कुछ इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए। मेरे पास ये साबुन जो है सेट करने वाली यानी जिसमें हम साबुन जमाते हैं वो थी, तो मैं इसके अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी अलग कटोरी में भी कर सकते हैं, कोई अलग बर्तन में, मिट्टी का, स्टील का, किसी भी बर्तन में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रबड़ के बर्तन में भी आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से सेट कर दिया है और सेट करने के बाद हमें इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में जमा के रख देना होगा। फ्रिज में जमा के रखने से यह एकदम बिल्कुल अच्छे से जम के जो है वो सेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही टाइट यह अच्छे से जम के तैयार हो चुकी है। ये जो आप साबुन देख सकते हैं पहले हमारी 1 थी और अब 3 बनके तैयार हो चुकी हैं। पहले छोटी हुई थी साबुन, अब उससे कई ज़्यादा मोटी हुई साबुन ये हमारी हो चुकी है और ये चलने में भी उससे 2 गुना ज़्यादा चलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें हमने पानी में इसको अच्छे से उबाल लिया है और इसके अंदर हमने ऐड किया है विनेगर, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट। इससे हमारे जो गंदे बर्तन हैं वो और भी जल्दी ज़्यादा साफ़ होंगे क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चिकनाहट जमी हुई होती है वो नॉर्मल डिटर्जेंट से या फिर हमारे जो हम विम लिक्विड यूज़ करते हैं उससे नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें अन्य एक्स्ट्रा ऐड करने से इसकी पावर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ इस तरीके से बर्तनों पर जितनी भी सारी की सारी जो गंदगी जमी हुई है वो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से निकल जाएगी। आपको ज़्यादा इसे घिसने की ज़रूरत नहीं है। नॉनस्टिक पैनों में दोस्तों हमारे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दबाव से अगर हम उसको घिसते हैं तो
तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बर्तनों को और साबुन को जो है वो लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं, साबुन का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज की हमारी यह खास साबुन की ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।